ऐसा नहीं होना चाहिए कि लगे कि खवातीन ने टेक ओवर कर लिया है। हाँ, अच्छा, तभी देखिए मैंने रिस्पेक्ट मार्जिन दे रही। बता देता हूँ, आप इस ड्रामे से सिर्फ एंटरटेन ही नहीं होंगे, एंटरटेन तो होंगे लेकिन उसके साथ साथ एक बहुत खूबसूरत इसमें मैसेज भी है। और ये ड्रामा इनफैक्ट हर इसका हर एक एपिसोड, हर एक कहानी जो है वो एक स्टीरियोटाइप को ब्रेक करती है। और ये हटके ड्रामा है, ये अनयूजुअल कंटेंट है। आप इस तरह का कंटेंट यूजुअली आप देखते नहीं है टीवी के ऊपर। तो जो जो कहानियां इसके अंदर हैं, ये सब कहानियां पूरी पूरी एक समझेंगे कि इतना मजे का मसाला है इसके अंदर कि आप जो भी व्यूअर इसको एक दफा देखेगा तो उसको याद रखेगा। कुछ चीजें होती हैं जो आपको याद रह जाती हैं, तो ये उस तरह का एक प्रोजेक्ट है और सबने बहुत दिल से इसके अंदर काम किया है। सुमरीब, आपके कैरेक्टर की बात करते हैं। यू आर प्लेइंग एन इंटरसेक्स कैरेक्टर और जो कि असिस्टेंट कमिश्नर है, और जारी बात है जो स्ट्रगल्स देखी होंगी सारी, ये रोल आपके पास कैसे आया? पूरी शुरू से कहानी सुनानी बहुत लंबी कहानी है, एकदम कॉफी इसके लिए कुछ गर्म हो जाए। ये रोल मेरे पास आया ऐसे, मतलब आया नहीं था ये रोल, मुझे बेसिकली इसी ड्रामे का एक दूसरा कैरेक्टर ऑफर हुआ था। और मैंने जब वो कहानी पढ़ रहा था तो आधे तक पढ़ते हुए मैंने डिसाइड कर लिया था कि आई एम नॉट डूइंग इट वो कहानी, क्योंकि अच्छा। वो मुझे कुछ मजा नहीं आ रहा था उसके अंदर। तो अब इसके अंदर एक अच्छी चीज ये है कि हर एपिसोड का जो एंड है वो नेक्स्ट एपिसोड के जो स्टोरी है उससे कनेक्ट कर रहा है। ठीक है, तो जब मैंने लास्ट सीन पढ़ा तो वो सारंग का था, तो मैंने ये कैरेक्टर पढ़ा, मुझे एकदम से हिट हुआ, मैंने ये पूछता हूँ उसके बारे में ये क्या है। इसके बारे में पूछा तो ये कोई और, किसी और को कंसिडर किया जा रहा था। तो मेरा बहुत ज्यादा मेरा दिल था काफी टाइम से कि मैं कुछ कुछ डिफरेंट करूं, कि ब्रेव डिसीजन लेके कुछ ऐसा करूं जो कि सबसे हट के हो। तो मैंने स्क्रिप्ट इसका मंगवाया, मैंने पढ़ा, बहुत सारे लोग राजी नहीं थे, तो मैंने उसके लिए अपनी तरफ से एक ऑडिशन रात में रिकॉर्ड किया, उसको खुद एडिट किया, उसमें म्यूजिक वगैरह लगा के सुबह तकरीबन 4-5 बजे मैंने भेजा हमारे डायरेक्टर जो कि अहमद भट्टी उनको, और हमारे प्रोड्यूसर अब्दुल्ला सेजा उनको, और सुबह तक हो चुका था। और बाकी के प्रोसेस के बाद में बताऊं कि जब ये सेट पे आए इन्होंने वाकई ही बहुत अच्छा काम किया। नहीं, फिर मैंने मैं सीन्स में देखती थी बैठ के, इतनी छोटी छोटी, बड़ा मुश्किल कैरेक्टर है, मुश्किल कैरेक्टर है मुनीब का जो। हाँ, मुनीब से ही मैं एक और सवाल भी पूछना चाहूंगी कि हमारे एक्टर ज्यादातर जब आते हैं सेट पे या कोई भी प्रोजेक्ट साइन करते हैं उसमें एक वैनिटी का या एक वो बड़ा एलिमेंट होता है कि हम अच्छे लगें, हम अपने फैंस को अच्छे लगें, लोग हमें एज ए हीरो देखें, तो ये आपका परफेक्शन। हाँ, तो ये बहुत हटके था, तो आपको कभी खौफ या डर आया बीच में? आज से तकरीबन मुझे 5-6 साल तो हो गए हैं काम करते हुए। मतलब कुछ टाइम पहले तक मैं वाकई बहुत डरता था, बहुत सारे ऐसे कैरेक्टर्स हैं जो मैंने नहीं किए डर की वजह से कि पता नहीं लोग क्या सोचेंगे, लोग क्या कहेंगे, पता नहीं कैसे मुझे इस कैरेक्टर में परसीव करेंगे नहीं करेंगे। तो ये कहानी भी इसी चीज़ को काउंटर करती है कि लोग क्या कहेंगे, लोग क्या सोचेंगे, तो उड़ जा बेफिक्र, परेशान नहीं होना, आपने ब्रेव स्टेप्स लेने लाइफ के अंदर। तो मैंने जब ये मैं ड्रामा कर जब ये मैंने किया इसके लिए, हाँ, तो मेरा यही था कि यार मैंने इतना इसके अंदर एफर्ट करना है और कहीं पे भी मेरी तरफ से कोई कमी नहीं रहनी चाहिए कि मेरा व्यूअर जो है वो ये सोचे कि यार बिलीवेबल नहीं लग रहा है कैरेक्टर। तो इसके लिए मैंने सबसे पहले तो अपना वेट लूज किया, मैं मस्कुलर था बहुत ज्यादा, इंटरसेक्स कोई भी अगर लड़का होता है या कोई इंटरसेक्स पर्सन होता है तो वो मस्कुलर नहीं होता, मैंने अपने मसल्स स्ट्रेट किए, खत्म किया, मैंने हाथ वैक्स किया, अब तो खैर बाल आ गए मैंने अपने हाथ वैक्स किए, वो बहुत सबसे प्यारी बात, जब मुनीब सेट पे आते थे कहते सबा पता क्या हुआ, मैं शो पे गया मुझे क्लैप नहीं मिली, ऑडियंस मुझे पहचाना ही नहीं। अब पिछले साल मैंने शो स्टॉप किया, इतने सारे लोगों ने इस दफा मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि चलो थोड़ा बहुत, अब मैं जा रहा हूँ, मैं लोगों को बता मैं हूँ, मैं उन्हीं को कहते घर जाता हूँ, बच्ची नहीं पहचानती यार, मुनीब आपकी आपकी मेरी बेटी से अम्मी ने मुझे आईब्रोज भी थ्रेड करवाई थी, आईब्रोज बहुत पतली करवाई, हाथ वैक्स किए हुए थे, क्लीन शेव, एक तो था हल्की फुल्की होने का तो ऐसे करके कि जरा सा भी बाल ना, अच्छा ये बात है आपकी करने के बाद बाल ऐसे मैंने रखे हैं उसके अंदर अमल के साथ बहुत लगे बने हुए आपकी बेटी के साथ मैं लोगों को कहता था कि मेरी बच्ची मुझ पे ही है भाई, मानता ही नहीं था कोई, अब सब मान लें आप ही पे है, हम मान गए। लेकिन आप चारों के भी रोल्स बड़े एम्पावरिंग, बड़े प्रोग्रेसिव, और थोड़ा थोड़ा ब्रीफली अपने अपने कैरेक्टर्स के बारे में, आप वी विल सी यू इन ऑल 6 एपिसोड्स। यस, मैं अब सेजा की चॉइस है कि सबा कमर का होना बहुत जरूरी है, ठीक है। और आपके मुसाफिर होंगे ये सारे। कहानी मुझसे शुरू होती है, मेरा इंट्रोडक्शन है मेरी फैमिली का, कैसे मैं टैक्सी लेके घर से बाहर सड़क पर आई, फिर जब मैं सड़क पर आती हूँ और लोगों से मिलती हूँ, उनकी कहानियाँ हर एपिसोड में, फिर सब जो भी हमारे सोसाइटी के इश्यूज हैं, जो एस्पेक्ट हमने जो डिस्कस किए हैं इसके अंदर,
उसमें सुनीता के साथ पहली मुलाकात होती है, इनके बाद आई थिंक सबूर से एंड देन उन्हीं बार फिर Right. जबकि रिवर्स शूट हुआ था, मैंने सबसे पहले हरीम के साथ किया था. जब मैंने हरीम के साथ काम किया तो मुझे लगा ओ माय गॉड शी हैज डन अ ग्रेट जॉब. तो प्रेशर बढ़ता गया जैसे जैसे कहानियां होती जा रही थी. मेरी कहानी का नंबर सबसे आखिर में आया था जब मैं घर में शूट करने के लिए गई, वो लास्ट में हुआ. सो फिर मुनीब ने ज्वाइन किया. मुनीब ने किया, मुनीब वाज सो इनटू इन हिज कैरेक्टर, वो इतने मजा लेके कर रहे थे कि तो मैं थी कि अच्छा यार ये मैं नजर कहाँ आऊंगी. तो फिर सुनीता आई, सुनीता ने बड़ा अच्छा किया. सबूर आई, सबूर भी हसीन खूबसूरत काम करके ना सब चले गए. तो वो नहीं होता कि मेरा रह गया मुझे करना है. तो जब मैं घर में आई, एक एक सीन के लिए मुझे था कि पहला एपिसोड मेरा है, इट्स ऑल अबाउट मी माय फैमिली माय इशू, तो वो बहुत अच्छा होना चाहिए. राइट बहुत अच्छा हुआ. जब वो बहुत अच्छा हुआ तो मैं एक सुकून में आ गई कि अच्छा हाँ न्यू ईयर अच्छा शुरू होगा. दिसंबर के लास्ट डेज में मैं गई थी वापस, मुझे बहुत मजा आया एंड आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू इट. राइट, कितने खूबसूरत सीन थे. जब मुझे ये स्क्रिप्ट मिला, पहला एपिसोड में पढ़ रही थी, मुझे याद है मैंने अब्दुल्ला सेजा को कॉल किया. मैंने कहा किसने लिखा है, बॉस आपको कैसा लगा. मैंने कहा लिखा किसने, मुझे अफसोस है कि मैंने इनके साथ आज तक काम क्यों नहीं किया. अदील रजाक, बिल्कुल मर्द होकर औरतों की इतनी खूबसूरत कहानियां, उनके दिल की बात इतनी खूबसूरती से उन्होंने लिखी कि दिल को जाके लगी. और इतना उस कैरेक्टर में, मेरे कैरेक्टर में आई एम श्योर हरीम ने, सुनीता ने, सबूर ने भी फील किया होगा कि ईज है हमारे डायलॉग डिलीवरी में, हमारे कैरेक्टर में, कि हमें एफर्ट नहीं करनी पड़ी. मुझे लगा नहीं कि माय गॉड डायलॉग्स डायलॉग्स ही लगे, वो लगे कि जैसे आपने काम किया है ना. हाँ, मैं पहले काम कर चुकी हूँ. और यही डायलॉग्स का होता है कि सिर्फ वो पढ़ने वाले नहीं है, वो बोलने वाले डायलॉग्स हैं जो हम आम रूटीन में बात करते हैं, और उसमें भी छोटे कम लफ्जों में बड़ी बातें हैं और नॉलेज है, इन्फॉर्मेशन है. जो अच्छे डायलॉग्स तो लिख लेते हैं, लेकिन राइटर के पास नॉलेज होना बिल्कुल जरूरी है. किस तरह से कुछ अच्छी चीजें कर सकते हैं, तो कुछ ऐसी चीजें भी हैं जिससे आपकी जात पे काफी फर्क भी पड़ता है. और तो बेसिकली आप एक ब्लॉगर हैं और आपकी एक वीडियो वायरल हो जाती है और फिर लोगों का रिएक्शन उस पे और जो एक ट्रोलिंग होती है ऑनलाइन, वो सबका सामना है ना. सबका सामना है. और उसके बाद अपने जो साथ देते हैं उन चीजों में नहीं देते. और कुछ मर्द जिंदगी में ऐसे होते हैं जो सपोर्ट नहीं करते, लेकिन कुछ ऐसे भी मिलते हैं जो बहुत सपोर्ट करते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं चीजों को, उन चीजों को. मतलब सारे मर्द एक जैसे नहीं होते ना, नहीं होता, पांचों उंगलियां बराबर नहीं होती. राइट राइट, किसी भी जर्नलिस्ट से बात करती हूँ तो मुनीब के पीछे एक्सप्रेशन चल रहे थे वगैरह, वो कैप्चर हुए होंगे आपके पीछे, कुर्सी के पीछे. वो तो मैंने मर नहीं जाते सैलून आजकल, है ना, जाते हैं, बिल्कुल जाते हैं. आपका कैरेक्टर, मेरा कैरेक्टर, मेरे कैरेक्टर में दो बड़ी अच्छे लेसन्स हैं जो मैं शेयर करना चाहूंगी. सबसे पहला लेसन, ये डायलॉग भी है वैसे ड्रामे में, कि पाकिस्तानी एक फैशन बन गया है कि डॉक्टर बहू लेकर आओ लेकिन फिर उससे काम ना करवाओ, उसको घर में बिठा दो. तो ये एक बहुत बड़ा एक लेसन है इस डायलॉग में, कि अगर उन्होंने पढ़ा है तो उसको प्रैक्टिस भी करने दो, वरना फिर डॉक्टर बहू की जिद किया है, क्यों नहीं होनी चाहिए. दूसरा इसके अंदर एक चीज है, मेल ईगो एक्सेप्टेंस नहीं है, कि अगर मर्द में कोई कमी है तो वो कभी भी उस चीज को एक्सेप्ट नहीं कर पाता, वो खामोश रहता है. बीबी को कहता है अच्छा मेरा साथ दे दो, मेरी ये सीक्रेट है जो कि तुम भी सीक्रेट बना के रखो. तो ये एक चीज है. पूरी स्टोरी तो ऑब्वियसली मैं नहीं डिस्क्लोज करूंगी, आप देखेंगे तो मजा आएगा, लेकिन बहुत इम्पोर्टेंट और बहुत नेसेसरी ये मैसेज है जो कि हमारी आवाम
को इसको सोचने और समझने की जरूरत है कि वो जाने अनजाने में ये गलती कर जाते हैं लेकिन इससे नुकसान कितना होता है. सो मोर ऑन रिलेशनशिप्स एंड की इंटरप्रिटेशन और ईगोज और यू नो उस चीज पे है. हाँ तो ये भी काफी सेंसिटिव लग रहा है. सेंसिटिव तो सारे ही हैं. सारे ही हैं. सभी हैं. ऑफ कोर्स ऑफ कोर्स. योर्स इज द सिचुएशन ऑफ हैरेसमेंट एट द वर्कप्लेस.